नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करें, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब का बटन सफेद है तो क्लिक ना करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट से लोग आने वाले हैं ये महासभा में, तो इसलिए सभी को पता चलना चाहिए। और आप जो प्रेस रिपोर्टर आज तक जो लड़ाई लड़ी है 3 साल से जनता के माध्यम से, वो माध्यम से 3 साल से ऐसा पता चला कि जो कमेटी बनाई है वो कमेटी भी फेल हो गई है। जस्टिस आर एफ लोढ़ा की, उसके अंदर जो सेबी के सब अधिकारी काम कर रहे हैं ये असक्षम है। ये असक्षम होने के माध्यम से जो ग्राहक को निवेशक को न्याय नहीं मिल रहा है, इस वजह से सेबी भवन के ऊपर हमने ये महासभा का आयोजन किया है कि जल्द से जल्द सेबी को भी पता चले कि देश भर से कितने निवेशक आ रहे हैं। बीएसएल कंपनी छोड़ के अनेक कंपनी में जो और कंपनी से उनको भी सेम प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए सभी कंपनी की तरफ से भी और जनता की तरफ से भी ये महासभा का आयोजन किया है। कितने लोग लमसम आ सकते हैं इस पूरे देश भर से? अब तक तो रिपोर्टिंग आया है जिन लोग के पास करीबन 3 लाख क्रॉस करके लोग मुंबई में पहुंच रहे हैं। और कितने कोर्स के निवेशक का है? निवेशक तो सीबीआई और सेबी के ऑर्डर के माध्यम से 5.85 करोड़ सब निवेशक है पूरा देश के अंदर। अगर सिद्धि आपकी बातें मान नहीं रहेंगे, अगर आपकी फिर भी आपने वहाँ पे मोर्चा निकाला, वहाँ पे अगर नहीं मानते तो आगे की कार्रवाई क्या? आगे की कार्रवाई मैडम ऐसी है, कम से कम राष्ट्रपति को हम इच्छा मरण शक्ति 1 लाख लोगों की मांगने के लिए अभी रेडी हो गए। 1 लाख लोग इच्छा मरण शक्ति मांगने के लिए राष्ट्रपति को एप्लीकेशन कर रहे हैं। इसके बाद जन लोक प्रतिष्ठान सब लोगों को मेरा नवीन भाई पटेल का, मैं गुजरात से हूँ, हिंदी में बोलूंगा। और यहाँ जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में उपस्थित सभी सर्वा जन लोक प्रतिष्ठान के संगठन के पदाधिकारी सुंदरा कदम मैडम साहब, मंडल साहब, सचिव मात्रे साहब और जो भी कमेटी के मेंबर हैं, और यहाँ महाराष्ट्र के मीडिया कर्मी जो आज हमारा ये इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, उनका मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अहियाँ आवेला तमाम मीडिया कर्मी भाइयों नु हूँ हार्दिक स्वागत करू छू अने मारा जय सियाराम। आजनी आ प्रेस कॉन्फ्रेंस मां मारी तमने विनंती छे કે અમારો અવાજ છે તમે જનતા સુધી પહોંચાડજો, કારણ કે આ એક એવી મોટી દુઃખદ ઘટના જે આવી છે અમારી સામે કે 5.5 કરોડ ગરીબ પરિવારોના પૈસાનો પ્રશ્ન છે। 5.5 કરોડ ગરીબ પરિવાર કા જો પૈસા કંપની મે લગા હૈ ઓર મોજુદા સરકાર ને 2014 મે સેબી કો જો હાઈ પાવર દિયા હૈ, આગે યહી સેબી હમારે સામને राज्य लेवल की 4 हाई कोर्ट में हार चुकी है और 4 हाई कोर्ट का डिसीजन हमारे पास है कि हम पॉल रियल एस्टेट का ही काम करते थे और आज भी कंपनी प्योर रियल एस्टेट है। इन्होंने आज से 15 साल पहले जो भी कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाया है कि आप CIS हो, आज की तारीख तक में वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं और आज भी वो वही प्रूफ करने में तुले हैं। और सेबी की बात करें तो मैं आपको बता दूं, 1989 से लेके कम से कम 50,000 से 1 लाख कंपनियां सेबी के माध्यम से बंद हुई, जिनके बैंक बैलेंस का बैंक बैलेंस या कंपनी की प्रॉपर्टी या ऑफिस जो भी थी
वो सेबी ने अपने दायरे में ली, लेकिन आज तक उस कंपनी के एक भी निवेशक को पैसा लौटाया नहीं है, एक सत्य हकीकत है। तो ये आवाज हमको इसके लिए उठाना पड़ती है, और इसमें भी सेबी बोल रही है ग्राहक नहीं है, तो हम ग्राहक को उनके सामने लाके खड़ा करने के लिए आंदोलन करने का हमारा मकसद है, क्योंकि ग्राहक है। ग्राहक क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उनके माध्यम से जो भी करता आता है वो समझा बुझा के उसको रखते हैं। कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमको भरोसा, लेकिन पूरा कोर्ट के काम में पैसा ग्राहक के आने में से भी सबसे बड़ा आज अवरोध कर रही है, जिनका काम है कि भाई प्रॉपर्टी को सेल आउट कर से जल्द कस्टमर का पैसा वो करने का 2016 में डिसीजन दिया हुआ है, फिर भी 2 साल में कुछ भी काम इन्होंने किया नहीं, और जो काम करना चाहता है उनके काम का वो सही तरीके से ऑप्शन का जवाब भी नहीं दे रही है। इसके लिए हमको ये चीज करना है। तो मेरा फिर से आपको निवेदन है कि आप ये भारत के जो भी जनसंख्या है मीडिया के माध्यम से उनको ये सही मैसेज पहुंचाए, और हमारी ये लड़ाई में आप सपोर्ट करें। उसके साथ मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। नमस्कार। आज मुंबई में जनलोक प्रतिष्ठान संगठन का पुणे के प्रतिनिधि हमारे चेयरमैन श्री सुनंदा पदम मैडम और इनके साथी और आप प्रेस परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को मेरा प्रणाम है। मैं गुजरात बड़ोदरा गुजरात के स्टेट कमेटी की ओर से हूँ। पूरे राष्ट्र में पूरे भारत देश में 5 से 6 करोड़ कस्टमरों को निवेशकों को आज 30 लाख पैसा नहीं मिल रहा है, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके बारे में मैं 2 मिनट ही बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास इतने सारे 3 साल से प्रॉब्लम है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड की जमीन सेबी को दी है, उसमें आर एम नोएडा सर की समिति भी बनाई हुई है, तो जमीन बिक भी रही है लेकिन बेचने में भी कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं। उसमें ये प्रॉब्लम की वजह से आज 3 साल से 6 करोड़ कस्टमर्स पीएसएल के आज उससे प्रॉब्लम हो रहा है, कई जगह पे झगड़े दंगे हो रहे हैं, कई पे मारपीट भी हो रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है। इसके लिए हम 26 फरवरी को बम्बई बांद्रा के वहाँ MMRDC ग्राउंड में आंदोलन करने वाले हैं, और ग्राहकों को न्याय मिले, सभी लोग ने जो निवेश किया है उसका निवेश उसको वापसी मिले, वही हमारा मेन उद्देश्य है। जय हिंद।